डेंगू को लेकर कठुआ में अलर्ट जारी, जीएमसी में दिन रात होगी जांच। जिले में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधमपुर में दो पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रदेश में सभी जिलों में एहतियात बरती जा रही है। विलेज सैनिटेशन कमेटियों को सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही नगर परिषद ने फॉगिंग साफ सफाई का काम तेज कर दिया है। उधर जीएमसी कठुआ में 20 बेड का डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। जांच के लिए दो एलाइजा मशीनों को इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें दिन और रात जांच को लेकर तैयारी की गई है। यही नहीं, जीएमसी प्रशासन ने ब्लड बैंक में प्लेटलेट की पर्याप्त मात्रा भी सुनिश्चित कर ली है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीज को प्लेटलेट चढ़ाए जा सके। जीएमसी कठुआ के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अत्री ने बताया कि फिलहाल जिले में कोई भी डेंगू का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेडिसिन विभाग की ओर से एसओपी भी जारी कर दिए गए हैं। जीएमसी कठुआ में इस बार अतिरिक्त बेड स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि मामले बढ़ने पर किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि जीएमसी की माइक्रोबायोलॉजी लैब में जरूरत पड़ने पर दिन रात दोनों समय सैंपल की जांच की जा सकेगी। इसके अलावा गंभीर मामलों के लिए एचडीयू और ज्यादा सीरियस मामलों के लिए आईसीयू की सुविधा भी तैयार है। उधर ग्रामीण स्तर पर उपजिला अस्पतालों में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इनमें विशेष डेंगू बेड स्थापित किए जा रहे हैं। विलेज सैनिटेशन कमेटियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर संदिग्ध मामलों को फौरी तौर पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिरों और झुग्गी में लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर किया जागरूक। शहर के कृष्णा कॉलोनी इलाके में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग की टीमों ने जागरूकता अभियान चलाया। यहां मंदिरों से लेकर झुग्गियों में लोगों को डेंगू के प्रसार के बारे में जागरूक किया गया।